नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे। काशी विश्वनाथ मंदिर जानवापी परिसर विवाद के तहत सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के आदेश पर 5 दिनों तक चली सर्वे की कार्यवाही के अंतिम दिन सोमवार को मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिला। इसके बाद इस प्रकरण में सोमवार को ही अदालत में शिवलिंग वाले स्थान को सील करने की मांग वाली याचिका दायर की गई। इस पर कोर्ट ने कलेक्टर वाराणसी को तत्काल सील करने का आदेश जारी कर दिया। बता दें कि सर्वे से बाहर निकलने के बाद श्रृंगार गौरी प्रकरण की पांचों वादिनी के परोकार सोहनलाल आर्य ने कहा कि नंदी जिसका इंतजार कर रहे थे वो बाबा मिल गए। डॉक्टर सोहनलाल श्रृंगार गौरी प्रकरण की पांचों वादिनी के पैरोकार है। वादी पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने उक्त स्थान को सील करने का आदेश जारी किया। पीठासीन अधिकारी रवि कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक शिवलिंग मस्जिद परिसर में पाया गया। आदेश किया गया है कि वह उक्त स्थान को सील कर दे। वहीं जिला अधिकारी को आदेशित किया गया है कि मस्जिद में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दे, मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाज़त दे। वहीं सर्वे करके बाहर निकलने वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने दावा किया है कि हम जिस चीज़ के लिए सर्वे की मांग कर रहे थे वह 100% बल्कि उससे ज़्यादा हमें मिल गया है। वादी पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि शायद हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 1669 के बाद पहली बार दर्शन किए हैं। बता दें कि सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर को 17 मई को अदालत में पेश करनी है। सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि काशी के लिए आज एक दिन स्वर्ण इतिहास बनकर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हम लोग सौभाग्यशाली इंसान कहलाए जाएंगे। हम लोगों को 6969 के बाद दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। वहीं नंदी के सवाल पर उन्होंने कहा कि नंदी महादेव की तरह ही मुंह करके रहती हैं और उन्होंने ही ये अभ्यास कराया कि बाबा विश्वनाथ कहाँ हैं। बताया कि आज किसी भी प्रकार का कोई मलबा नहीं हटाया गया है, यह कोरी अफवाह है। आज सिर्फ तालाब जिसमें नमाज से पहले वजू करते हैं उसे खाली करवाया गया है। उसका कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे किया गया है और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई है।